दोनों तरफ, तो मान लीजिए कि मैं कहूं कि आशुतोष जी को 50% वोट मिलेगा, तो 48 भी मिल सकता है, 52 भी मिल सकता है, 47 भी मिल सकता है, 53 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट है ना, तो एस्टिमेट में रेंज करना पड़ता है और उसका हम लोग मीडियन पॉइंट बता देते हैं। तो गलती बाएं तरफ भी हो सकता है, दाहिने तरफ भी, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी। तो हमने अभी तक सीट प्रिडिक्शन नहीं दिखाया है इसमें, क्योंकि मैं, मेरा अपना मानना है कि सीट प्रिडिक्शन जो है वो वोटिंग परसेंटेज पे एक्यूरेट नहीं होता है। इसका एक और कारण है, भारत में, हमारे भारत में सिंपल मेजॉरिटी होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। मान लीजिए कि आपको यदि 60 सीट वोट मिला और मुझे 40, तो आपको 6 सीट और मुझे 4 सीट नहीं मिलेगा, होना तो वही चाहिए। मान लीजिए यदि टोटल 100 है और आपको 60 मिला, मुझे 40 मिला, तो यदि हर 10 वोट पर एक सीट हो तो आपको 6 मिलना चाहिए, मुझे 4। पर हम लोग का जो सिस्टम है वोटिंग का, उसमें क्या होता है, विनर को ज्यादा मिल जाता है सीट और लूजर हार जाता है। तो हो सकता है कि आपको 60 मिले तो आपको हो सकता है 9 सीट मिल जाए, और मुझे 40 मिले तो एक सीट मिले। इसको समझना जरूरी है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इटली में, कुछ और कंट्रीज में यूरोप के, तो उसमें सीधा सीधी गणित होता है, आपको 40 मिलेगा तो 4 सीट, 60 मिलेगा तो 6 सीट। पर भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो विनर को ज्यादा मिलता है। तो पहले देखा जाए कि भाजपा को और एनडीए को कितना सीट मिला था 2014 और 2019 में। भाजपा को मिला था करीब 282 सीट 2014 में और 303 सीट 2019 में। 282, 303, करीब करीब देखिएगा कि 20 सीट का फर्क है, 21 सीट का, ठीक है ना। और 2014-19 में एनडीए को देखा जाए, क्योंकि भाजपा अकेले नहीं था, उसके साथ जैसे कि जनता दल यू, जो आज भाजपा के साथ नहीं है एनडीए में, वो भी उसका पार्टनर था, अकाली दल वगैरह वगैरह बाकी पार्टनर्स। तो एनडीए को 2014 में 336 सीट मिला था, 336, और 2019 में 353, 353। फिर करीब करीब समझिए कि 18 से 20 सीट ज्यादा मिला था 2019 में 2014 से, ठीक है। हमने परसेंटेज वोट दिखा दिया है कि एनडीए को मिला था करीब 31.34% 2014 में, और करीब 6% करीब करीब ज्यादा, 37.36%, है ना। अब ये जो सर्वे हुआ अभी रिसेंट जुलाई और अगस्त के महीने में, ये बेसिकली सी वोटर ने ये सर्वे किया, और ये इंडिया टुडे ग्रुप के लिए, और उन्होंने कहा कि 2024 में 43% वोट एनडीए को मिलने वाला है। तो यदि आप उसे देखेंगे 2014-2019 के कंपैरिजन में, तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। बट ये भी होता है कि सर्वे में, क्योंकि सर्वे में जितने लोगों से आप बात करते हैं, आप अनुमान करते हैं कि वो सारे वोट देंगे, मतलब मतदान और वोटर के बीच जो नंबर है उसमें कोई फर्क नहीं होता सर्वे में। तो ज्यादातर सर्वे में परसेंटेज वोट ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्शन होता है, बट दोनों पार्टी का थोड़ा ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस। तो जो सीट का प्रिडिक्शन था 2024 का, वो 2024 में उन्होंने सीट प्रिडिक्शन किया 287 बीजेपी के लिए, 287, और एनडीए का 306, और जब इंडिया का किया तो 193, 193 डिफरेंस देखिए आप। एनडीए 306 है एनडीए का प्रिडिक्शन, और इंडिया का प्रिडिक्शन है 193, उसमें कांग्रेस पार्टी का 74।
तो 193 और 306 में बहुत ज्यादा अंतर है, करीब 113 114 सीट का अंतर है। तो इसका मतलब यदि आप सीट खाली देखेंगे तो लगेगा क्लियर कट फाइट है, एनडीए दोबारा वापस आ रहा है, मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और एक तरह से वन साइडेड फाइट फिर हो गया 2014-2019 के तरह, ठीक है, वन साइडेड है ना, गजब। मतलब फिर दोबारा मैं रिपीट करूं, एनडीए को 306 सीट, बीजेपी को 287 और इंडिया को सिर्फ 193, तो बहुत का फर्क आ जा रहा है ना? प्रोजेक्शन था और आया कितना, आया कितना वो देख लीजिए, रियल रियलिटी में कितना आया 2014-2015 में, प्रोजेक्शन से कितना डिफरेंस रहा? नहीं, प्रोजेक्शन नहीं था मैं।